Assalamualaikum, fourth class. How are you all? Today your topic is Grey Flowers Bobby from the Radiant Way. आज हम इसकी रीडिंग करेंगे पेज नंबर 10 to 14. On the screen you can see the main points of the story. First I will read the lines and then I will explain you the meaning of these words and lines. The first line is, this is a true story of a faithful little terrier called Grey Flowers Bobby. Bobby's master was a farmer. ये स्टोरी एक डॉग की है, उसका नेम बॉबी है और बॉबी का जो मास्टर था वो कौन था, एक फार्मर था जो किसका ख्याल रखता था. एवरी वीक बॉबी वेंट विद हिम टू द मार्केट. हर वीक बॉबी अपने मास्टर के साथ मार्केट जाता था. बॉबीज मिड डे मील वॉज ऑलवेज अ बिग बन. और हर डे की उसकी मील थी अ बिग बन. व्हेन बॉबी वॉज अ फ्यू ईयर्स ओल्ड मिस्टर ग्रे हिज मास्टर डाइड एंड ही वॉज लेड टू रेस्ट इन ग्रे फायर्स चर्च यार्ड. कुछ सालों बाद जब उसका मास्टर मर जाता है, फ्यू डेज लेटर एट 1 o'clock द ओनर ऑफ द शॉप सा बॉबी पुश द डोर ओपन. जिस मार्केट में वो अक्सर अपने मास्टर के साथ बॉबी जाया करता था वो वहाँ पर जाता है. जैसे ही वो शॉप का पर्सन बाहर अपनी शॉप के बाहर बॉबी को देखता है, उसको उसका मास्टर याद आ जाता है और वो उसके लिए बॉबी के लिए अपने डोर ओपन करता है. विद सैड आईज द लिटल डॉग लुक्ड अप एज इफ यू आर ट्राइंग टू से टू द शॉपकीपर प्लीज गिव मी माय बन. अपनी सैड आईज के साथ डॉग उस शॉपकीपर को देखता है जैसे ही वांट्स टू से, वो क्या कहना चाहता है, प्लीज गिव मी माय बन. स्टूडेंट्स, जैसे ही वो शॉपकीपर देखता है कि उसकी शॉप के बाहर डॉगी खड़ा है, वो डॉग खड़ा है बॉबी, वो उसके लिए जैसे ही डोर को पुश करता है तो बॉबी एक सैड आइज के साथ उसको ये कहने की कोशिश करता है कि प्लीज़ गिव मी माय बन. द मैन वाज सो सॉरी फॉर हिम दैट ही गेव हिम अ बन. ऑल डे एंड ऑल नाइट लॉन्ग बॉबी ले ऑन हिज मास्टर्स ग्रेव. हर दिन हर रात बॉबी का अपने मास्टर से इतना लव था कि उसकी ग्रेव पर ही पड़ा रहता. One day Bobby was taken by police as a stray dog without collar when he came to know about the whole story. एक दिन पुलिस उस डॉग को वहाँ से ले जाती है और जैसे ही पुलिस को पूरी स्टोरी मालूम होती है कि वो एक्चुअली उसका मास्टर था और उसकी उन दोनों में कितनी अटैचमेंट थी, कितना लव था, पुलिस मैन गेव हिम अ न्यू नाइस कॉलर ऑन इट वॉज प्रिंटेड ग्रे फ्लॉयर्स बॉबी. उस पे एक न्यू कॉलर का टैग लगा दिया जाता है जिस पर क्या प्रिंट होता है, ग्रे फ्लॉयर्स बॉबी. व्हेन बॉबी डाइड हिज ग्रेव इज इन अ फ्लावर बेड नियर द गेट ऑफ द चर्च यार्ड. जब कुछ सालों बाद वो डॉग भी फोत हो जाता है, वो बॉबी भी फोत हो जाता है, डेड हो जाता है, उसकी जो ग्रेव होती है वो भी वहाँ उस चर्च यार्ड में ही बनाई जाती है. क्लास, यही आपने रीडिंग करनी है और यही रीडिंग आपको पोर्टल पे भी अवेलेबल है. थैंक यू क्लास.